ही साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, लाजवाब होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यूपी लेखपाल वैकेंसी से रिलेटेड आज 4 जनवरी को आपकी कोर्ट में सुनवाई थी और कोर्ट का क्या फैसला आया है, आखिरकार आयोग की तरफ से क्या पक्ष रखा गया, उन सब बातों के बारे में आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में जानने वाले हैं। मित्रों, वीडियो को आपको पूरा देखना है जिससे आपको पता चल सके कि आखिरकार आज की 4 जनवरी की जो कोर्ट सुनवाई थी उसका क्या अपडेट रहा, आखिरकार कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, इन सब बातों के बारे में आपको पता चल सके। मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे भी आपको लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे, क्योंकि अभी आगे भी 9 जनवरी की सुनवाई है जो दूसरे प्रश्नों को लेकर है। इन सब महत्वपूर्ण बातों के बारे में अगर आप आगे भी जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यूपी लेखपाल की भर्ती जिसका एग्जाम आपके 31 जुलाई को हुआ था, पूरे 8085 पदों के लिए, पूरे 8085 पदों के लिए, फिर देखा गया कि आपका जो हाईकोर्ट में प्रश्न के एक प्रश्न के रूप में आपका केस पहुंचा था जो कि प्रश्न नंबर 86 था, उज्ज्वला योजना वाला, लेकिन उसके बाद प्रश्नों की संख्या बढ़ गई, आपके प्रश्न नंबर 65, 90 और 92, इन 4 प्रश्नों पर आपका कोर्ट केस हुआ। 7 क्वेश्चनों पर हुआ था लेकिन दम इन्हीं 4 प्रश्नों पर था मित्रों, इसलिए कोर्ट ने मंजूरी केवल 4 प्रश्नों को दी थी और केस डिवाइडेड हो गया था 2 पार्टों में, यानी कि एक केस हो गया था आपके 86वें क्वेश्चन के लिए, वहीं पर जो दूसरा केस हो गया आपका इन 3 प्रश्नों के लिए, 65, 90 और 92, इस प्रकार 2 केस आपके अप्लाई कर दिए गए थे आपके हाईकोर्ट में। तो मित्रों, मैं आपको बता देता हूं आज 4 जनवरी को आपके कोर्ट केस का अपडेट क्या है, आखिरकार यूपी ट्रिपलसी आयोग को क्या भुगतान करना पड़ा, यानी कि जो आपका आज का जो केस है उसकी जो सुनवाई थी, उसकी जो सुनवाई है वो बच्चों के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आपका लगभग 6:30 बजे के आसपास आता है जो हाईकोर्ट है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आपके एक क्वेश्चन है, जैसे कि आज 86वें प्रश्न पर आपकी सुनवाई थी, तो मित्रों मैं उसका आपको बता देता हूं कि उसका जो कॉमन अंक है वो बच्चों के पक्ष में दिया गया है, ऐसा सबूतों के तौर पर ऐसा पता लग रहा है कि जो 86वां प्रश्न है उसको बच्चों के लिए कॉमन अंक के रूप में दिया जाएगा, यानी कि जिन प्रश्नों ने, जिन आपके बच्चों ने जिसको यह सही किया है उनको तो मार्क्स मिल ही गया होगा, लेकिन जिन बच्चों का यह प्रश्न गलत था उन सबको एक एक मार्क्स कॉमन मिल जाएगा, और दोस्तों जो गलत करके आए थे उनको 0.25 नेगेटिव मार्किंग का भी फायदा होने वाला है, लेकिन जिन्होंने इसको टच ही नहीं किया उनको कॉमन अंक के रूप में उनको अंक देखने को मिल सकता है। तो यह थी आपकी आज की जो अपडेट थी आपकी यूपी ट्रिपलसी आयोग के रिलेटेड, की आयोग ने अपने जो भी एक एफिडेविट लगाया था कि यह सही है प्रश्न हमारा, उस पर कोर्ट ने सुनाई दिया है और बच्चों को कॉमन अंक देने की घोषणा की है। और दोस्तों, लिखित रूप में जो भी अपडेट आएगा तो AKGS रिसर्च सेंटर फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के माध्यम से आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।